नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका शिक्षण अभिक्षमता के चैप्टर 4 के बारे में। इससे पहले 3 चैप्टर हम इसे कर चुके हैं, बाकी और भी कई यूनिट है वो भी हम कम्प्लीट कर चुके हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आता है। वो चार्ट, वो सब कुछ, एक एक डायग्राम, यानी वे साधन जिनके द्वारा शिक्षण को आसान बनाया जा सकता है, सहायक के तौर पर इनको प्रयोग किया जाता है, और उसके द्वारा एक शिक्षक शिक्षण को बेहतर तरीके से सामने रख पाता है। यानी जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसके बिना शिक्षण संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये शिक्षण सहायक सामग्री? में जो भी शिक्षण में सहयोग देने वाली सामग्री होती है उसे कहा जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे ब्लैक बोर्ड है, इसके अलावा कोई वीडियो है जैसे आप देख रहे हैं, ऑडियो है। आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये शिक्षण सहायक सामग्री है जो कि हमारे शिक्षण में सहयोग करती है। यानी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसके बिना शिक्षण संभव नहीं है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। कई मुख्य प्रकार हैं। पहला है दृश्य साधन। दृश्य साधन से मतलब होता है विजुअल, जो दिखाई देता है। उसके बाद आता है श्रव्य, ऑडियो यानी सुनना। उसके बाद है ऑडियो विजुअल, यानी देखना भी और सुनना भी। और फिर है एक्टिविटी बेस्ड, जो भी होता है क्रियात्मक सामग्री, कुछ एक्टिविटी करके जिसमें बताया जाता है एक्टिविटी के द्वारा। और पांचवा है प्रयोगात्मक सामग्री, प्रैक्टिकल के द्वारा। मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती है, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य। ये मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, बाकी ये जो क्रियात्मक सामग्री और प्रयोगात्मक सामग्री है इनको भी मान लेते हैं कि ये भी होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दृश्य साधन की। देखिए, दृश्य साधन क्या होता है? किसी भी विषय को देख करके हम जो समझते हैं उसे कहा जाता है दृश्य साधन। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में ये जो चार्ट है, ये चार्ट आता है दृश्य साधन के अंदर। कोई डायग्राम आ गया कोई चीज़ का, मान लीजिए वास्तविक रूप, जैसे मान लीजिए कोई ग्लोब है वो इसमें आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड वो इसमें आ जाएगा, स्लाइड। आप सिनेमा हॉल में गए होंगे कभी, तो सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि कोई स्क्रीन लगी होती है बड़ी सी, और उस स्क्रीन पे बिना कोई वॉइस के लगातार जो वीडियो की स्लाइड है वो कंटिन्यू एक के बाद एक चलती जाती है। कोई ऑडियो नहीं है, सिर्फ स्लाइड है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट मूवी कौन सी आएगी, उसका जो डायग्राम है, जो चित्र हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो वो भी किस में आएगा? सब इसमें आएंगे, दृश्य साधन में। अगर मान लीजिए आप कहीं रोड वगैरह पर जा रहे हैं, तो वहाँ आजकल गवर्नमेंट के द्वारा बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है जो कि सड़क पर कई जगह लगाई जाती है, और उनमें न्यूज़ चैनल जैसे ईटीवी राजस्थान है, तो इसकी न्यूज़ लगातार चलती रहेगी बिना ऑडियो के, सिर्फ विजुअल। वो सब किस में आएगी? दृश्य साधन में। तो बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए कहा जाता है कि सुनने से ज़्यादा देखने से प्रभाव पड़ता है। एक मान लीजिए मैं सिर्फ ऑडियो के रूप में ये चीज़ें आपके सामने रखूँ, और एक साथ में ये सब आपको दिखाई दे रही है जो कि मैं बोल रहा हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावी है। दृश्य साधन जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। मानचित्र हो गया, ग्लोब है वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा कोई मॉडल है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई नमूना है वो आपके सामने रखा जा रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा है श्रव्य साधन, सिर्फ सुनने के माध्यम से। देखिएगा, पहले हर घर में जब टीवी नहीं होता था
तो आप जानते हैं कि जब ये मैच आया करते थे भारत पाकिस्तान के, भारत श्रीलंका, तो हमारे सुनने का माध्यम क्या होता था? रेडियो। वो बड़े बड़े रेडियो आया करते थे, आजकल तो छोटे छोटे रेडियो आते हैं जो कि आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, पॉकेट में भी। बड़े बड़े रेडियो आया करते थे और शानदार वॉइस होती थी और उसके माध्यम से हम सुना करते थे। ये है सर्वे साधन, सिर्फ सुनने के माध्यम से, देखने से नहीं, सिर्फ सुन के जो हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब इसमें आता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी सुना रहा हो, कोई उदाहरण के माध्यम से है, कोई सुना रहा हो, टेप रिकॉर्डर इसका एग्जांपल हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर इसमें आता है, रेडियो है वो आ जाएगा, फ़ोन है आप फ़ोन पे बात करते हैं वो इसमें आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो सिर्फ सुनने के माध्यम से होती है वो इसका है सेकेंड प्रकार। तीसरा होता है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल सामग्री। ऑडियो विजुअल क्या होता है? टीवी, टेलीविज़न जो है हम घर में चलाते हैं, उसमें हमें दिखता भी है और जो वॉइस है वो भी हम सुनते हैं। वीडियो, जैसे मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो इस ऑडियो विजुअल का ही एग्जांपल है। और सबसे बेस्ट जो माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का वो ऑडियो विजुअल को ही माना जाता है, जिसमें देखने के साथ साथ सुनना भी हो। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये दृश्य श्रव्य में कैसे आएगा? आपको मेरी वॉइस भी सुनाई दे रही है और साथ ही मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप देख भी सकते हैं, वो एक एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। तो ये इसमें आता है। इसके अलावा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें हैं, ये इसमें आती है। उसके बाद में, उसके पश्चात आता है एक्टिविटी बेस्ड, यानी क्रियात्मक सामग्री, जिसमें कुछ एक्टिविटी के द्वारा करके बताया जाए। देखिए वैसे तो मोटे रूप से जो क्रियात्मक सामग्री है ये एक प्रकार से इस ऑडियो विजुअल में ही मान लेते हैं कि भाई ऑडियो विजुअल में आप हर चीज़ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वैसी क्रियात्मक सामग्री जो है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा वो तो इसमें आएगा प्रयोगात्मक सामग्री में। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे मान लीजिए भौगोलिक यात्राएँ वगैरह है, कैसे किसी विद्यार्थियों का ग्रुप है, उस विद्यार्थियों के ग्रुप को अगर घुमाने के लिए, जैसे मान लीजिए जयपुर की बात करें कि जयपुर में कोई, जैसे मान लीजिए नाहरगढ़ है, आमेर का किला है, आमेर फोर्ट है, जयगढ़ है, या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जैसे उदयपुर में घूमने के लिए गए, फॉरेन के अंदर मान लीजिए चीन है, श्रीलंका है, वहाँ स्टूडेंट के किसी ग्रुप को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, होती है भौगोलिक यात्राएँ। आपको जिनके द्वारा कुछ सीखने को मिले वो इसके अंदर आएगी, क्रियात्मक सामग्री के अंदर। और फिर लास्ट क्या है? प्रयोगात्मक सामग्री, प्रैक्टिकल, जिनके 11, 12 और ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रही हो वो सब प्रैक्टिकल कर करके देखे जाते हैं। सर्वेक्षण विधि, जैसे सर्वेक्षण है, जरीब, फीता, इन सब का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी को प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, मैदान में जाते हैं, जरीब फीता पकड़ा दिए कि आप कीजिए, जो भी आपको दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, भाई किस प्रकार से इनको करना है, कैसे प्रैक्टिकल करके बताना है, वो इसमें आ जाएगा। साइंस वगैरह है, साइंस में जो प्रैक्टिकल करके बताए जाते हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक्टिविटी के जो प्रैक्टिकल के द्वारा बताए जाते हैं वो सब इसमें आते हैं प्रयोगात्मक सामग्री में। मुख्य रूप से जो आपको ध्यान में रखना है वो है विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल, मुख्य रूप से ये तीन होती हैं। बाकी ये जो क्रियात्मक जो हैं ये सब ऑडियो विजुअल में ही मान लेते हैं। सबसे बेस्ट कौन सी आएगी? ऑडियो विजुअल, देखना और साथ ही सुनना। अब इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं सहायक सामग्री के? तो इसके सबसे बड़े बेनिफिट हैं कि जो चीज़ें सिर्फ हम देखने के, जो सिर्फ सुन सकते हैं, अगर उसके साथ देखा भी जाए तो वो चीज़ें हम ज़्यादा सही तरीके से हमारे दिमाग में फिट होती है, ज़्यादा लंबे समय तक हम उनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा सुन के किसी चीज़ को याद करने में समय ज़्यादा लगता है, जबकि अगर उसे हम देख भी लें तो वो चीज़ें हम उससे भी कम समय में हमें याद हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए सेब ज़मीन पे गिरा भी नियम न्यूटन ने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक तो बुक में पढ़ते हैं और एक लाइव हमें अगर करके बताया जाए, दिखाई भी जाए साथ में, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होती हैं। दूसरा, सिर्फ ऑडियो जो है वो कई बार थोड़ा बोर लगता है, जबकि विजुअल जो है वो देखने को भी मिले तो वो इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी की स्टोरी है,
एक तो सिर्फ रेडियो पे मूवी की स्टोरी कोई सुना रहा है, हीरो हीरोइन है, विलेन है, सबके जो डायलॉग हैं वो सिर्फ आप सुन रहे हैं, और एक चूंकि आपको सामने पूरी मूवी दिखाई दे रही है तो वो चीज़ ज़्यादा प्रभावी होगी। तो इस वजह से जो सहायक सामग्री होती है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसके बिना संभव नहीं है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद में लास्ट में इसका एक ही पॉइंट बचता है, वो है मूल्यांकन प्रणाली। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा आपके सामने, और उसके बाद में हम नई यूनिट शुरुआत करेंगे। आप भी साथ में मेहनत करते जाइए, आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं साथ में वो चीज़ें देखते जाइए, पढ़ते जाइए, और पिछले सालों के क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी आंखों से निकालते जाइए। उसके बाद में चीज़ें बहुत अच्छे से याद होगी, और जो लक्ष्य है कि कम से कम फर्स्ट पेपर में 75 से 80 मार्क्स आएँ वो आसानी से गेन हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।